वेलकम बैक टू द चैनल, आई एम योर फ्रेंड साहिल शुक्ला एंड आई होप कि आप लोग सब सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। सो गाइस, आज थोड़ा लेजी उठा हूँ, कल बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। मैं एसी में नहीं सोता हूँ बिकॉज मेरे को लगता है बॉडी ख़राब करता है एसी। जब भी सोना हो तो थोड़ा एक वॉर्म्स में सोता हूँ, और कल बारिश हो गई थी तो कूलर भी बहुत ज़्यादा ठंडा कर रहा था। एंड नाउ आई उठ चुके हैं। आज का व्लॉग क्यों स्पेशल है मैं बताता हूँ आपको गाइस। मैं पिछले एक हफ्ते से अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप के लिए बहुत ज़्यादा चाचा पापा कर रहा था। मेरा बजट बहुत ही ज़्यादा लो था, बट मेरे को नहीं पता था कि भाई ने पीछे से मेरे को बिना बताए किसी को भेज के मेरे घर से डेस्कटॉप भी उठवा लिया था। एंड उसमें अपग्रेडेशन भी इतनी करवा दी है कि वो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, और वो आज मेरे को मिल जाएगा। एंड ही ऑल्सो आस्क माई फादर टू गिव मी स्क्रीन, तो आज मेरे पापा स्क्रीन भी ले आएंगे। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस। आज शाम को सब कुछ आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा सेटअप करके। एंड जो मैंने सोचा है कि मेरे पे जो कंप्यूटर टेबल है उसमें LED वगैरह लगा के पूरा अच्छे से सेटअप करके आपको दिखाऊंगा। एंड गाइस स्लोली स्लोली, जैसे कि मेरा बजट बहुत लो रहता है क्योंकि मैं अपनी सैलरी से ही वो करता हूँ। एंड यूट्यूब स्टार्ट करने का एक तो रीज़न ये है कि फैमिली बड़ी हो जाएगी। एक दो रीज़न और है जो कि मैं बहुत बाद में बताऊँगा, जो लोग बिल्कुल अभी से जुड़े पड़े हैं उनको ध्यान रहेगा जब भी मैं आगे बताऊँगा। तो इस चीज़ के लिए सबको वेट करना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, क्योंकि अभी बताऊँगा तो कोई बिलीव करेगा नहीं, तो इसलिए। एंड चलते हैं, आज जल्दी से कुछ काम है। एंड आज हाँ, आज हम मटन बनाएंगे क्योंकि पापा ने बोला है बहुत टाइम हो गया है, संडे है, तो फटाफट से खाना खाते हैं, उसके बाद नहा धो के बाहर निकलते हैं और सामान भी लेना है। सो गाइस, अब हम ये अपना PlayStation 3 जो है ये ठीक कराने लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा सेटअप करने का मन है मेरा इस बार। और मैंने अभी हाल ही में कौन सा लिया था, सोनी का होम सिस्टम, सोनी का होम सिस्टम लिया था, जो कि एक अच्छी क्वालिटी साउंड की प्रोवाइड करता है। मेरे को ज़्यादा धूम धूम से बढ़िया कि एक बार अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाए। तो अब जल्दी से इसको भी एक बार चेक करवा के आते हैं, ये चल रहा है पर गेम्स वगैरह नहीं चल रही, हो सकता है गेम्स करप्ट हो गई हो, कुछ भी हो, तो एक बार मैं चेक करवा आता हूँ। और साथ ही साथ मेरे को रिमोट भी पता करके आने हैं इसके। एंड ये मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है, बट उसने कहा था कि भाई आप रख लो, मेरे को नहीं चाहिए, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ख़राब भी हो गया था। तो मैं जल्दी से इसको ठीक करवा आता हूँ एंड वहाँ पर पहुँच के दिखाता हूँ कि कहाँ पर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो गाइस, मेरा जो डेस्कटॉप है वो आ चुका है, पर कंप्यूटर के लिए स्क्रीन चाहिए, जो कि मैंने भाई ने पापा को बोली थी आज वो ले आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मेरे पापा को कोई भी काम पक्का नहीं होता है, बट मेरे भाई ने मेरे को दिलवा दिया है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो रखी है मैंने, हाँ वो मैंने नया नहीं बनवाया, पर उसका प्रोसेसर पुराना है। बाकी मैंने अपने पुराने डेस्कटॉप के अंदर ही अपग्रेडेशन कराई है और सब कुछ है, जिसके अंदर मेरे को पूरी वारंटी मिली है। उसके अंदर i5 सेकेंड जनरेशन विद 8 GB रैम एंड 240 SSD प्लस 500 GB हार्ड डिस्क है। एंड विंडो 10 है लेटेस्ट, उसके पास 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, पूरा सपोर्ट करता है। एंड स्लोली स्लोली मोस्ट प्रोबेबली मैं बहुत जल्दी एक लैपटॉप भी ले लूँगा, तो मैं एक बड़ी स्क्रीन लेके उसके साथ उसको कैपेबल कर लूँगा यूज़ करने के लिए। वो भी मेरा भाई दिलवाएगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं बाहर से ही मंगवाऊँगा, ऑस्ट्रेलिया से। एंड जितना भी है वो सब का सब मैं आपको कल आज रात में एक बार दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे करवाया है और कहाँ पर मैंने सेटअप कराया है। पर जो पूरा मैं सेटअप एक बार ओवरव्यू दूंगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि मेरे को इसके अंदर पूरा काम करना है, मेरे को अपनी पूरी टेबल जो है सेटअप करनी है एंड बहुत सारी चीज़ें लानी है जो अभी मैं नहीं लाया हूँ। जैसे कि कीबोर्ड भी अभी मेरे पर वायर वाला है जो मैंने नहीं मंगवाया, वो भी मैं कीबोर्ड भी अभी मेरे को मंगवाना है, मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगा। सो जब तक के लिए, एंड हाँ आज मटन बना है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, मटन बहुत बढ़िया बना है, मैं आज पक्का दिखाऊंगा आप लोगों को कि मटन बनने दो पहले, पूरा मज़ा आ जाएगा। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था, अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कढ़ाई मसाला मटन ग्रेवी। लुक एट दिस गाइस, जस्ट लुक एट दिस, मतलब इसके हर एक पीस को इतनी देर तक पकाया गया है। ग्रेवी देखो गाइस, मतलब वो। और आज जो मैं दो बार में खाना खाऊंगा क्योंकि मेरे को लग रही है भूख, और मटन बनाया तो कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता। तो अभी मैं रोटी खा रहा हूँ और जब पापा आ जाएंगे तब चावल खाऊंगा, पर ये बात पापा को ये ब्लॉग देखने पे ही पता चलेगी, तो मैं जल्दी से खा लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा जो पूरा सेटअप है वो अब तैयार है। एंड मैं आपको बताऊँ कि मेरे पे क्या क्या इस वक्त अभी चीज़ें हैं एंड कैसे कैसे मैं उसको अपग्रेड करवाऊंगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। गाइस दिस इज 2.1, जिसके अंदर कि हमारा ये 4.1 का है, जिसमें बड़ा एक वूफर है, जिसके अंदर भी स्पीकर है, ये सैमसंग का है। एंड मेरे पे अभी इस वक्त सैमसंग का मॉनिटर है, जो ये मेरा पुराना मॉनिटर है, इसके अंदर थोड़ी दिक्कत भी है, बट मैं इससे काम चला रहा हूँ बिकॉज
जो पापा एलईडी लाए थे उसके अंदर जो पिक्सल ग्राफिक थे वो बहुत ज्यादा हार्श थे, तो मैंने उन्हें बोला यार तुम को सोनी का चाहिए या फिर कोई अच्छी कंपनी का, क्योंकि वो शायद सैमसंग का ही लाए थे एलईडी, बट उसके अंदर कंप्यूटर सपोर्ट जो था वो बहुत ज्यादा पिक्सल फट रहे थे, सो दैट्स व्हाई उसको मैंने रिफंड करवा दिया है। एंड नाउ गाइस मैं आपको बताता हूँ जो मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस मैंने लगाई है। सो गाइस करंटली आई एम यूजिंग i5 सेकंड जेन प्रोसेसर विद 2GB ग्राफिक का, S61 का नया मदरबोर्ड भी लगवाया है, मेरी सिर्फ सप्लाई पुरानी है बाकी सारी चीजें नहीं है। रैम अभी मेरे पे 4GB है जिसको मैं 12GB करवा लूंगा, 8GB की एक रैम अगले महीने लगवा के, क्योंकि ये मेरे भाई ने मेरे को दिया है तो उसको इतना सब कुछ नहीं पता था, बट आई एम ग्लैड कि उसने मेरे को इतना बना दिया। मेरा बजट बहुत ही ज्यादा सेफ है क्योंकि मैं इसको ले जाऊंगा। अब मेरे को कुछ चीजें लेनी है, जैसे कि मेरे को स्पीकर्स माइक लेना है, हेडफोन्स लेने हैं एंड अदर थिंग्स, बट उससे पहले जो आज मैं सारा का सारा अपने कंप्यूटर पे प्रोसेस कर लूंगा। और जो आपने पहले देखा प्ले स्टेशन 3 जो मैं इसको ठीक करवाने लेके गया था, तो गाइस प्ले स्टेशन 3 में दिक्कत क्या हुई है कि इसका जो वीडियो है वो चल रही है, मतलब इसका हार्डवेयर जो है सब कुछ सही है, सॉफ्टवेयर में थोड़ी दिक्कत है। सॉफ्टवेयर में क्या दिक्कत है, जो मैंने इसमें गेम्स थी वो शायद करप्ट हो गई है, जिसके लिए हमारे को नई गेम्स डलवानी पड़ेगी या फिर अंदर की गेम्स डिलीट करके दोबारा से सीडीज का यूज करके उसको करना पड़ेगा। तो हम वो सारी चीजें देख लेंगे कि कौन सा कैसे क्या करना है इसके साथ। सो इस वक्त के लिए अभी मेरे पास यही है। सो आई हैव अ प्लेस्टेशन 3 विद अ गुड वर्किंग कंडीशन ऑफ माय डेस्कटॉप, फुली कंप्यूटर्स एंड वेबकैम, जिससे कि मैं पूरी तैयारी करूंगा कि एज सून एज जी मेरे सारी चीजें तैयार हो जाए तो मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा गेम्स पे। एंड एक्चुअली मेरे को गेम्स इतनी अच्छी खेलनी आती नहीं है डेस्कटॉप पे स्पेशली, सो पबजी पे मेरे को 2-3 दिन तो लगाना पड़ेगा कि कितना कैसे क्या होता है। तो उसके सारे ग्राफिक्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए, सब कुछ करने के लिए मैंने सारी चीजें चेंज कर ली है। एंड मेरे को सिर्फ आज का एक दिन लगेगा कि इसमें सब कुछ करना पड़ेगा। मेरे पे पोर्टेबल एक स्पीकर भी है ब्लूटूथ LG का, म्यूजिक फ्लो इसका नाम है, ये भी बहुत ही अच्छी साउंड प्रोवाइड करता है, सैमसंग का साउंड अच्छी प्रोवाइड करता है। एंड धीरे धीरे अब जो है मैं इस साल के अंदर धीरे धीरे सारे अपने गैजेट्स को बाय कर लूंगा, जिससे कि किसी को मेरे को ज्यादा दिक्कत ना पड़े। एंड सून जो मेरी क्वालिटीज वगैरह है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, एंड आई होप कि आप लोग भी सपोर्ट करते रहेंगे। सो मैं नेक्स्ट वीडियोस में शायद बता दूंगा कि मेरा कौन सा लाइव चैनल है, मैंने किस नाम से लाइव चैनल शुरू कराया अपने स्ट्रीमिंग का। सो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, सी यू, टाटा बाय बाय, नमस्कार। एंड आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।